सिंध असेंबली में प्री बजट सेशन रखा गया था। प्री बजट सेशन सिंध असेंबली के रूल 143 के तहत रखा जाता है, जो कि जनवरी और मार्च वाले क्वार्टर में होता है। उसमें मेंबर साहिबान सारे सजेशंस देते हैं कि सूबाई जो बजट आए उसमें क्या क्या हमारी सजेशंस हैं, प्रपोजल्स दिए जाते हैं। आज वो बजट सेशन रखा गया। सबसे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम होता है कि बजट सेशन से पहले तमाम पार्लियामानी लीडर्स को बुला के उनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई कायदे कानून तय करके और फिर ये बजट सेशन रखा जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं किया गया। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे मुकेश चावला साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनको गुत्थे चलाने से और ग्रेन बेचने के अलावा सूबे में कोई काम हो तो वो ये कर पाए, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को तो वो तवज्जो देते नहीं है। लिहाजा असेंबली की इस वक्त ये हालत है कि कोई चीज़ कायदे कानून के मुताबिक चल नहीं रही है। उसके बाद जब हमने कहा कि जी सजेशंस हम दें तो किसको दें, ना फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है, ना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौजूद है, ना कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो महज एक खाना पूरी रखी गई थी आज असेंबली में कि हम खाना पूरी करें, अपनी सजेशंस दें और वो ऐसे ही कचरे के कूड़ेदान में चली जाए। लिहाजा हमने उनको रिफ्यूज़ किया। हमने कहा सबसे पहले गवर्नमेंट हमें ब्रीफ दे कि हमारे पास बजट है क्या, हमारा रेवेन्यू है कितना। जब हमें रेवेन्यू ही नहीं पता कि सूबे के पास पैसे कितने हैं, तो हम किस बात की सजेशन देंगे। तो ये आज हमने इनको बहुत क्लियरली बताया कि आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाएं, वो आके हमें पहले रेवेन्यू एक लेआउट दें कि हमारे सूबे में इस वक्त इतनी आमदनी एक्सपेक्टेड है, जिसकी बेसिस पे हम इनको प्रपोजल्स देंगे। तो हर चीज़ का जवाब हमारे मुकेश चावला साहब देते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं लिखूँगा, मैं नोट करूँगा। तो ये असेंबली है, किसी की ज़ाती औताक नहीं है या मुकेश साहब का दफ्तर नहीं है कि हम उनको बैठ के सजेशंस लिखाएं। हमने इस बेसिस पे वॉकआउट किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं है, वो मौजूद हों, वो पहले एक ब्रीफ आउटलाइन दें हमें, उसके बाद हम 5 दिन इस पर आपको प्रपोजल्स देने को तैयार हैं। बाकी इस तरह अगर किसी कायदे कानून के अलावा असेंबली चलानी है तो मुकेश चावला साहब बैठ के अपने दफ्तर में चला लें, हम ऐसी असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे।